Hi, this is me, Momina Iqbal. You watching me on Something Hot. Assalamu alaikum. This is Hard to Hot. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into Something Hot. I have with me somebody जिनको हम काफ़ी अरसे से उनका काम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनसे मुलाकात का मौका हमें पहले नहीं मिला। अभी आजकल हम उनको एक बहुत ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल में देख रहे हैं। उससे पहले हमने एक और बहुत बड़े ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल में उनको देखा। एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल से दूसरे ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल के बीच में वो कहाँ थी, आज उनसे उसके बारे में सवालात पूछेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं द वेरी प्रिटी एंड द वेरी टैलेंटेड मोमिना इकबाल। अस्सलाम वालेकुम मोमिना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मोमिना? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑफ कैमरा हमारी डिस्कशन चल रही थी, तो हम जब डिस्कस कर रहे थे 2017 में यू मेड योर डेब्यू, विच वाज विद अ ड्रामा कॉल्ड पार्लर वाली लड़की, जिसका जो ओएसटी है बोल कफारा, which has almost 95 million views on YouTube and is extremely popular, one of my favorite as well. सबको पता ही है। उस डेब्यू से पहले कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई टुवर्ड्स एक्टिंग? तब मैं थोड़ा बहुत मॉडलिंग कर लेती थी, फिर मैंने मॉडलिंग को प्रोफेशन बना लिया, और फिर मॉडलिंग में काम करते करते एक दिन कॉल आता है फॉर दैट ड्रामा पार्लर वाली लड़की, और आई वाज़न्ट रेडी यार उस टाइम पे। आप कह सकते हैं कि मतलब मैं कहती थी कि नहीं, आई वॉज़ वेरी शाई पर्सन, और मतलब मुझे लगता था कि मैं बात नहीं कर सकती ज़्यादा किसी से, या एक्टिंग करना तो मतलब इम्पॉसिबल है, इतने सारे लोग होते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं कर सकती। और फिर मेरी इतनी रिजेक्शन के बाद नादिया आपा कॉल मी, और उन्होंने बोला कि नादिया आपा, नादिया अफगन, नादिया अफगन, ओके। मैंने कहा बेटा क्या मसला है, आओ बैठकर बात करते हैं। और फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, जाके बात करने में तो क्या प्रॉब्लम है ना। तो फिर हमने बात की उस पर। उनसे बात करने के बाद भी मैंने कहा कि आपको नहीं पता, मैं ये नहीं कर सकती। मुझे पता है कि मैं शायद हूँ ही नहीं इसके लिए, या मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, मैं ज़्यादा बात नहीं करती। तो वो मुझे कहती है कि मेरा करेक्टर ही यही है, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो ज़्यादा बात नहीं करती, वो उसका बहुत एक मासूम सा गेटअप है, और मतलब बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है, और एहसास करने वाली है, मासूम है। तो मैं कह रही हूँ कि अच्छा ये कैसे पॉसिबल है। अच्छा मैं उनसे बात करके मैंने कहा ओके ठीक है। मैं घर गई हूँ, मैंने कहा सॉरी मैं नहीं करी। और मतलब वो इतना मुझे अपने ऊपर प्रेशर था, क्योंकि वहाँ पे पूरी टीम थी, मैं सबसे मिली, मैंने देखा, मैंने कहा किसी एक शख्स की वजह से सब ख़राब होने से बेहतर है कि आप ना करो। मुझे तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कर सकती हूँ। लेकिन फिर एक दिन आपा ने मुझसे बोला कि तुम मुझे क्या दे सकती हो, मैं तुमसे करवा लूँगी। मैंने कहा मेरे पास सिर्फ वक्त है, जो मेरे शूट्स भी चलते हैं, मैं कैसे मैनेज करूँगी। उन्होंने कहा कि तुम मुझे अपना वक्त दो 100%, मैं तुमसे ये करेक्टर करवा लूँगी। और उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब अगर वो कह रही हैं कि मैं कर सकती हूँ तो फिर ट्राई कर लेते हैं। खैर वहाँ से फिर शुरुआत हो गई, फिर हमारी वर्कशॉप्स हुई फॉर 10 days। मैं गई एक दो दिन, जाके मैंने देखा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। पूरी टीम थी वहाँ पे, सब लोग को एक्टर्स थे, हम सब ने बहुत सारी एक्सरसाइजेस की एक दूसरे के साथ, थोड़ा हम लोग जल इन हुए कि चलो अब हमने साथ काम करें। सोप था 100 एपिसोड का। तो फिर वहाँ से हमने बिस्मिल्लाह की और काम शुरू हो गया। और फिर आपा ने मुझे इतना गाइड किया, इतना समझाया और इतना सिखाया कि वो जो सीखा है वो मैं आज तक लेके चल रही हूँ। तो लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक्टिंग करने से पहले, इवन दो यू सेइंग दैट यू वर शाय बट यू वर अ मॉडल, आप ब्रांड्स के लिए कैंपेन करती थी। रैंप पे आपने एसेट मॉडलिंग नहीं की, बट यू वर द ब्रांड एम्बेसडर फॉर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, क्लोथिंग ब्रांड्स के लिए। आप निशात की भी आई सपोज आपने कैंपेन्स किए हैं। तो वो जो शाइनेस थी वो मॉडलिंग में नहीं आती थी। एंड ग्रोइंग अप डिड यू एवर थिंक कि आप मॉडल बन जाएंगी? वो जो ग्रोइंग अप फेज था उसमें आप क्या, हर बच्चा होता है ना, बनना चाहता है कुछ ना कुछ, डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर, मॉडल, आप क्या बनना चाहती थी? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा, आई वाज स्टडिंग दैट टाइम, तो मुझे था कि मतलब ठीक है मॉडलिंग समटाइम्स मैं कर लेती हूँ तो ठीक है। बट वो बिग ब्रेक कैसे आया मॉडलिंग का? पहला मॉडलिंग का ये था कि एक बार मतलब मेरी सिस्टर और मैं, हम लोग बैठे हुए थे, तो उसने कहा कि उस टाइम पे कुछ अरसा मैंने स्टार्ट किया था जॉब्स वगैरह ये ना, तो मेरी बहन मुझे कहती है कि मॉडलिंग का ये आया हुआ है कोई, तो तुम जाके पिक्चर्स भेज दो। मतलब क्या, मैंने उसको कहा कि मतलब पागल हो गई हो, मैं करूँगी मॉडलिंग, क्यों करूँगी ना। तो उसने फिर हम लोग ऐसे ही बातें हुई, तो मैंने कहा, उसने कहा तुम पिक्चर्स तो भेज के देखो अपनी कोई भी, और रेगुलर लड़कियों की, बच्चियों की किस तरह की पिक्चर होती है, घर में शीशे के आगे। मैंने भेज दी, मैंने कहा वो जिसको भेजी है वो हंसता रहेगा बैठ के कि ये क्या औरत है। तो अगले ही दिन मुझे वहाँ से मैसेज आ गया कि आई यू फ्री, कल के लिए अगर हम शूट करना चाहें तो मैंने कहा ये आदमी पागल है, और मतलब मैंने उसको भी सीरियस नहीं लिया। तो मैं अपनी जॉब पे फोकस करती थी। फिर 2 दिन बाद मुझे फिर मैसेज आ गया कि मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपने पिक्चर्स भेजी तो ऑब्वियसली आप इंटरेस्टेड होंगी, तो आपने मुझे, फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। डर डर के मैं वहाँ गई कि पता नहीं माहौल कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं यहाँ पर हम लोग को प्रॉब्लम है, घर से लेके बाहर तक के फैशन पता नहीं क्या है, इंडस्ट्री पता नहीं क्या है, कितना गलत होता है कितना सही होता है। तो मेरे अंदर भी वो डर था। तो ऑब्वियसली मेरे अब्बा ने भी नहीं मानना था कि जाओ ये कर लो, इतना ईजी तो नहीं होता किसी के लिए भी इस इंडस्ट्री में इन होना। तो फिर मैंने कहा 1-2 शूट मैंने अम्मा को सिर्फ बताया, अब्बा को कुछ नहीं पता था, और मैंने जाके कर लिया। मैंने देखा कि वो लोग हमारी तरह ही थे, मतलब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं पता नहीं मेकअप आर्टिस्ट कैसा होगा, फोटोग्राफर कोई अच्छा होगा या बुरा होगा, पता नहीं क्या कह दे कोई बात। तो उनके साथ जब मैंने काम करना शुरू किया तो वो लोग मेरी फैमिली की तरह बन गए। उनके साथ मैंने रेगुलर काम किया फिर 1-1.5 साल उसी टीम के साथ FT प्रोडक्शन के साथ। तो फिर मुझे बड़े ब्रांड्स ऑफर होने लग गए, निशात, केसरिया, मतलब ये सारे मैंने किए, केसरिया, करिश्मा। फिर जब मैं काम करना, मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी, सिर्फ जाके अपना काम किया और फिर वापस घर। ये कैसे होता था वैसे, जैसे आप कह रही हैं कि यू वर शाय एंड यू डू, आप ज़्यादा बात नहीं करती, तो जब आप सेट पे जाती थी, और फिर मॉडलिंग करना भी एक बड़ा मुश्किल काम है, एक्सप्रेशन देना, वो जो शूट्स होते हैं वो, फिर आपने कैसे मैनेज किया और कुछ सीखा, किसी ने सिखाया, किसने हेल्प आउट किया? ऑब्वियसली वो जो मेरी फर्स्ट टीम थी, वो लोग आज भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब मैं पहली बार गई थी तो मुझे ठीक से बैठना नहीं आता था। मॉडल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा स्टिफ रखना होता है खुद को, एक पॉस्चर चाहिए होता है आपको बैठने के लिए, खड़े होने के लिए, तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। और मैं ऐसे बैठ जाती थी कि अच्छा क्या करना है। तो वो वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड था, वो मुझे कहता था कि कॉन्फिडेंस की खिड़की खुलेगी, ऊपर से आएगा तो फिर मोमिना काम करेगी। तो वो उनके साथ इतना फ्रैंकनेस वाला एक अच्छा एक इन्वायरमेंट बन गया था। तो फिर मैं इजी होना शुरू हो गई काम करने में, मुझे पता लग गया कि किससे कैसे बात करनी है, कैसे लेकर चलना है। और वो लोग एंड तक, आज भी मैं, मुझे कोई शूट्स का होता कुछ होता तो आई कॉल देम कि मतलब ये ऐसे है, ऐसे कर लूँ या वह, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। और उसके बाद फिर बाकी अच्छे फोटोग्राफर्स के साथ मैंने काम किया, अजीम सानी के साथ, रिजवान भाई के साथ, मतलब सबके साथ काम किया। फिर मैंने गुड्डू शानी के साथ काम किया, बहुत काम किया। फिर मुझे ये सीरियल, ये सोप मिल गया, पार्लर वाली लड़की, और फिर चलो चलो बिस्मिल्ला। अच्छा, अब आपकी जो ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस मैं कहूँगा इन टर्म्स ऑफ द व्यूवरशिप जो किसी आपके प्रोजेक्ट को मिली, आई थिंक वो एहद वफा ही होगा, इवन दो आप उससे पहले एक फिल्म कर चुकी थी, राइट? एहद वफा से पहले आपने दाल चावल की थी। सो पहले तो मुझे ये बताएं कि एक लड़की जो इतनी शाय थी कि जो एक्टिंग करने ही नहीं चाहती थी ड्रामों में, उसने फिल्म कैसे कर ली? जब मैंने पार्लोर वाली लड़की स्टार्ट किया था तो तकरीबन हम लोग 7-8 मंथ्स हम लोग रोज़ साथ थे सब लोग। वो शो था तो हम लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे थे उस पर। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने सबको जानना शुरू किया, अपने सीनियर्स को, नादिया आपा से, इतना कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ कि मुझे खुद, मेरे अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया था कि आई कैन डू दिस। कि कोई, मतलब अगर उन्होंने मुझ में कुछ देखा तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझसे बात की, तो वो जो उनका कॉन्फिडेंस था ना, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर बिल्ड होना शुरू हो गया था कि आई कैन डू दैट। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो मेरे साथ चला। फिर जब मैंने एक प्रोजेक्ट किया, हम लोग को बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी, आपा ने, हम नए बच्चे थे उस टाइम पे सब, मतलब जो लड़का मेरे साथ था वो भी नया था, मैं भी थी, एक और लड़कियाँ थीं, बच्चे थे, सब हम न्यू थे, फर्स्ट प्रोजेक्ट था हम सब का। लेकिन जिस खूबसूरती से आपा ने हम सबको संभाला और हम सब बच्चों को लेकर चली, हम सब में कॉन्फिडेंस आया और हम सबको पता लगे कि अब हमें क्या करना है। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो आपका उस्ताद होता है, शी इज़ लाइक माई टीचर, तो वो आप पे कितना ट्रस्ट कर रहा है, तो फिर आप खुद को समझना शुरू कर दे तो वहाँ पे कि अरे मैं ये वाला ट्रैक चूज़ करूँ या ये वाला। तो एक्टिंग में जितना प्यार मुझे, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, वहाँ पर सायका खयाम साहिबा थी और रूही आपा थी, मतलब मुझे ऐसा लगता था वो सच में मेरी अम्मा है। और मैंने कभी अपनी दादी को रियल में नहीं देखा हुआ था, तो सायका आपा के साथ मुझे लगता था कि वो मेरी दादी हैं। वो इतना प्यार डेवलप हो गया था कि मुझे लगा ये तो इतना इजी है, सब तो प्यार करते हैं यहाँ पे, बड़े आपको सिखा रहे हैं कि बेटा ऐसे बात नहीं करनी, ये वाला जेस्चर मत दो, ऐसे बैठो, दुपट्टा ऐसे रख लो। तो वो इतना हेल्पफुल था कि उसके बाद लगा कि ये बहुत ईजी है, हम कर सकते हैं, कि मैं अब ड्रामा क्या, मैं फिल्म भी कर सकती हूँ। सो हाउ डिड द फिल्म कम टू यू? फिल्म भी ऐसे ही था, मुझे कॉल आती है कि जी ऐसे एक स्क्रिप्ट है आप देख लें, और मैंने कहा कि मतलब मुझे फिल्म के ऊपर क्यों, मैं नहीं कर सकती। लेकिन फिर जब मैंने उसको बहुत डीप, उसको मैंने पढ़ा और देखा स्क्रिप्ट, तो वो था बेसिकली शहीदों की फैमिलियों को लेकर, और मतलब तो ये तो एक अपने अंदर एक एजाज़ की बात है ना कि आपको एक ऐसा करेक्टर मिल रहा है जो इतने, वो भी स्टार्ट में, और मेरे ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी उस करेक्टर की। और वो, मैं उसको फ़िल्म नहीं कहूँगी या मतलब मैं उसको वो नहीं कहूँगी कि हमने कोई बहुत लेवल की फ़िल्म बनाई, वो जिनके लिए बनाई थी, जिनके एजाज़ में बनाई थी, जिनको हम लोगों ने वो ट्रिब्यूट दिया था, मतलब वो उन लोगों के लिए था। और मुझे पता है कि जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो मैंने वो फीलिंग को फील किया हुआ है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो। तो मेरे लिए वो करेक्टर भी बहुत बहुत अच्छा था। बट देन कमिंग टू एहद-ए-वफा विच वॉज प्रॉबली योर बिगेस्ट प्रोजेक्ट उस पॉइंट तक, और एहद-ए-वफा आया और उसमें जितने कैरेक्टर्स थे सभी ओवरनाइट क्या मतलब जैसे किस्त आती थी और टक 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 एवरीबडी बिकेम रियली पॉपुलर। आपका जो कैरेक्टर था मासूमा, आई रिमेंबर, आई थिंक एक रिव्यू में बोला इसके पैर कितने खूबसूरत है बिकॉज पैरों से कुछ कुछ इस तरह की बात हुई थी। बट अगेन उसमें भी आपका रोल कम था बट इट वॉज इम्पैक्टफुल सर्टनली जिन सीन्स में आप थी। आई रिमेंबर उस वक्त हम भी जब रिव्यू कर रहे थे और दूसरे लोग भी जो भी फीडबैक आ रहा था, हर किसी ने आपका काम अप्रिशिएट किया। एहद-ए-वफा के बाद वन वुड हैव थॉट कि यार कि अब आप नज़र आएंगी, ज़्यादा नज़र आएंगी, या शायद एक लीड रोल में नज़र आएंगी, या किसी और ड्रामे में, हमें बड़े ड्रामे में नज़र आएंगी। आप हमें बहुत बड़े ड्रामे में नज़र आई लेकिन बहुत बड़े टाइम के बाद नज़र आई, और फिर नज़र भी आई तो सेकंड लीड में आई, लीड में नहीं आई। आई एम ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट खुदा और मोहब्बत जिसमें नाउ वी सीइंग यू एज नाहीद। पहले तो ये बताएं कि एहद-ए-वफा से खुदा और मोहब्बत के बीच में क्या हुआ कि आपका ब्रेक इतना एक्सटेंड हो गया? कोरोना उस टाइम पे, उसके बाद मतलब कोरोना वाली ये स्टार्ट हो गया था तो फिर सब शट डाउन हो गया था, कुछ कोई काम नहीं हो रहा था, शूट्स होते भी थे तो बहुत कम होते थे। और उससे पहले, कोरोना से भी पहले हम लोग खुदा और मोहब्बत ऑलरेडी शूट कर रहे थे। अच्छा, इसका शूट चल रहा था तो मैं उसमें भी जाके काम करती थी। और जैसे दिस इज दिसंबर 2019 अर्ली 2020 एग्जैक्टली, तो तब वायरस के आने से कुछ दिन पहले तक हम काम कर रहे थे, एकदम वायरस आ गया तो सब बंद हो गया, तो शूटिंग भी रुक गई थी खुदा और मोहब्बत की। तो हमने फिर कोरोना का जितना टाइम 7 मंथ 6 मंथ हम लोग बंद रखा, और फिर क्योंकि हमें वाइंड अप करना था तो फिर हमने दोबारा इसकी शूटिंग स्टार्ट की थी। और उस शूटिंग के ख़त्म होते ही, क्योंकि मैं सिर्फ उसका वेट कर रही थी, आई कांट इवन चेंज माई हेयर कलर, कुछ भी नहीं चेंज कर सकते थे क्योंकि वह कंटिन्यूटी चल रही थी, तो फिर मैं शूट्स वगैरह करी थी लेकिन काम ये टीवी का नहीं करी थी। फिर जैसे इसकी शूट ख़त्म हुई तो फिर मैंने हम का वो सीरियल स्टार्ट किया था, भूल जाए दिल। जी जी जी। तो बस फिर ये ऊपर नीचे चलता रहा। बट एहद-ए-वफा के बाद आपको फीडबैक कैसा मिला? लोगों की तरफ से तो ऑब्वियसली अच्छा मिला ही होगा बिकॉज एहद-ए-वफा का क्या क्रेज़ चल रहा था, बट इंडस्ट्री के लोगों ने जिन्होंने आपका काम देखा या पहले भी जो आपका काम देख रहे थे, उनकी तरफ से आपको प्रोजेक्ट्स ऑफर्स हो रहे थे या ऑफर हो रहे थे या नहीं हो रहे थे? वो एहद-ए-वफा भी हम का प्रोजेक्ट था तो हम टीवी से तो मुझे ऑलरेडी अभी तक मैं आई एम वर्किंग विद देम, और तो वो तो मुझे ऑफर्स भी थी, सीरियल्स भी थे कि हम आगे ये करेंगे, हम ये, उनके प्लान्स थे, तो उनके साथ तो मैं अभी तक काम कर रही हूँ ना। तो बाकी चैनल्स पर से कभी कॉल आ गई, पूछ लिया, बस यही सब चल रहा था ऑन एंड ऑफ। लेकिन मेरा हम का तो मेरे पास डेट्स ही नहीं मिल रही थी ना कि हमने एक वो ख़त्म किया फिर दूसरा मिल गया, अभी हम लोगों ने भूल जाए दिल वाइंड अप किया तो ये मैं तीसरा कर रही हूँ, सलाए मोहब्बत अभी इसकी शूट चल रही है, तो बस। अच्छा, आपसे मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप यू नो एन एप्ट पर्सन टू कॉमेंट ऑन दिस कि जब कोई न्यू कमर आता है इस इंडस्ट्री में, और हम बहुत सारी स्टोरी सुनते हैं इवन उन लोगों से जो कि अभी न्यू कमर्स नहीं है, बहुत अरसे से इंडस्ट्री का हिस्सा बने हुए, वो बताते हैं कि कैसे उनको भी स्ट्रगल करना पड़ता है काम हासिल करने के लिए। आपके तो कोई कनेक्शंस नहीं थे इस इंडस्ट्री के साथ, आपने स्टार्ट भी फैशन से किया, आपने एक फ़िल्म भी कर ली, बहुत सारे लोग बहुत इंतज़ार करना पड़ता है फ़िल्म करने के लिए, आपने अभी ड्रामे भी कर लिए, मेजर ड्रामों का आप हिस्सा रही हैं, बट समहाउ आपको लीड रोल में अभी हमने नहीं देखा। ये आपके पार्ट पे एक कॉन्शियस डिसीजन है जो कि बड़ी अजीब एक डिसीजन होगी कि नहीं मैंने लीड नहीं करना, या आपको लीड रोल्स ऑफर नहीं हो रहे, क्या वजह? लीड हम टीवी के साथ जब मैंने स्टार्ट किया था तो एहद-ए-वफा से किया था, तो फिर उसके फ़ौरन बाद जो उन लोगों ने मुझे प्रोजेक्ट दिया वो लीड का ही दिया था, ठीक है। और जो बाकी क्योंकि मैं उनका लीड का कर रही थी तो मैं बाकी कोई सेकंड लीड या साइड पर नहीं कर सकती थी, ऑलरेडी खुदा और मोहब्बत बन चुका हुआ था उस टाइम पे जब मुझे हम टीवी वालों ने भूल जाए दिल में लीड रोल दिया था, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा तो मैं और कहीं जा नहीं रही थी क्योंकि मैं ऑलरेडी एक लीड का कर रही थी, तो मैं किसी भी दूसरे चैनल के लिए सेकेंड लीड या कोई साइड का ना करती, तो मैं कह देती थी कि सॉरी मैं सेकेंड लीड का नहीं करूँगी, क्योंकि अगर वो लोग मुझ पे एफर्ट पुट कर रहे थे अपनी या मुझे वो जगह दे रहे थे लीड के लिए तो फिर मैं किसी और चैनल पे किसी और जगह पे सेकंड लीड या कोई भी साइड रोल कैसे कर सकती थी, तो मैंने नहीं किया, इसलिए मैंने नहीं किया। बट हाउ वेलकमिंग इज दिस इंडस्ट्री टू न्यू टैलेंट। बड़ी मीनिंगफुल मुस्कुराहट आई है आपके चेहरे के ऊपर। लगता है मैंने कोई दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया। नहीं, मतलब बिल्कुल दुखती हुई रग नहीं है। मैं कहती हूँ कि आपको चांस देना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स हैं यहाँ पर। अगर आपको लीड पर लेना है तो आपके इंस्टा के फॉलोअर्स कितने हैं, अच्छा। मतलब आप कितने पॉपुलर हैं, आपको लोग कितना जानते हैं। मैं कहती हूँ जब तक आप लोग मौका नहीं देंगे, हमें काम नहीं देंगे, लोग हमें कैसे जानेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली आप काम देने से पहले हमारा इंस्टा चेक करें कि इसके कितने फॉलोअर्स हैं, इसको लोग कितना जानते हैं, तो हमारा टैलेंट क्या कोई। अच्छा हैंग ऑन, ये असल में हुआ है कि किसी ने आपको ये पूछा कि आपके इंस्टा के फॉलोअर्स इतने कम है इसलिए हम आपको लीड। बट वन वुड assume आपको कौन जानता है, अभी तो इंस्टा के फॉलोअर्स भी नहीं है। मतलब शूट्स पे ये होता है, अब शूट्स पे ये होने लग गया कि अच्छा इस मॉडल के कितने फॉलोअर्स हैं तो उस हिसाब से इसको करा देते हैं काम, या इस सेलिब्रिटी के कितने हैं फॉलोअर्स तो ही इसको शूट देंगे, ये तो होता है। बट मोमिना, वन वुड assume कि अगर एक इंसान एक्टिंग कर रहा है तो जो जिस चीज़ पे उसको गेज करना चाहिए वो उसकी एक्टिंग स्किल है। तो अगर, और आप एक्टिंग अच्छी करती हैं, हमने जब 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 आपको स्क्रीन के ऊपर देखा, चाहे वो मासूमा हो, चाहे वो नाहीद हो इन खुदा और मोहब्बत, यू आर अ गुड एक्टर, यू वेरी गुड लुकिंग ऑल्सो। सो उसके बावजूद अभी तक आपको इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स चाहिए लीड रोल करने के लिए। इसीलिए मैं इंस्टाग्राम बहुत कम यूज़ करती हूँ कि नहीं है फॉलोअर्स तो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जो भी हैं एक्टिव फॉलोअर्स हैं, वो मुझे जानते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती पैसे दे के फॉलोअर्स लेने की, और मतलब कि जी मुझे फेमस होना नहीं। ये आपका ख़ुद पर बिलीव होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप जब आपको ख़ुद पर बिलीव है ना कि आप कर सकते हो, तो अल्लाह मियां खुद ही रास्ते बना देता है, खुद ही। आपको ये जो ऑब्वियसली अनफेयर ट्रीटमेंट है इंडस्ट्री की तरफ से, आर दिस बिग चैनल्स आल्सो हु डिमांडिंग द सेम थिंग? ये तो बड़ा, एक नए आर्टिस्ट के लिए तो बड़ा ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और फिर एक चीज़ नहीं होती है। फिर मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं जब लाहौर में थी तो मैंने सुना था कि जी कराची और लाहौर वाले डिफरेंट हैं। आपने ये सुनी है बात के मतलब ये लोग नहीं हो सकते साथ काम, बड़े मसले होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं इतना डरी हुई थी एज अ न्यू कमर। जब आप आते हो तो इर्द गिर्द लोग आपको कहते हैं कराची में ये है, लाहौर वाले ये हैं, डिफरेंट है, वो लोग ऐसे किसी नए को वेलकम नहीं करते हैं ठीक से कि तो लाहौर से है, इसको क्या। मतलब मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें थी आके भी कि पता नहीं कैसे चलेंगे, क्या करेंगे, कैसी टीम्स होंगी। फिर मैंने खुदा और मोहब्बत किया, पूरी कराची की टीम थी और मतलब सब अच्छा था और सब लोगों ने इतना प्यार किया। फिर उस टाइम मेरा माइंड कि जब कोई नया बच्चा आता है आपको उसका टैलेंट यूटिलाइज़ करने के बजाय आप लोग इधर उधर की बातें कि फ़लाँ चैनल में ये होगा या कराची में ये है, लाहौर में ये है, पहले से उसका दिमाग में इतना कचरा भर दो कि वो आगे जा ही ना पाए। ऐसा ही है। क्यों मोमिना, ऐसा क्यों होता है? बहुत सुनने को मिला कि आपको जगह नहीं मिलेगी, आपको आपके करेक्टर, मतलब कोई कह देगा कि नहीं अभी इसको क्या ज़रूरत है यहाँ रखने की, या ऐसे नहीं इसको ये करेक्टर मत दो अभी। ये बहुत कुछ सुनने को मिलता है। बट ये कौन लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं? बहुत सारे होते हैं, आपके इर्द गिर्द होते हैं। आपको आप कभी ऐसे कोई भी बात करो, आपके कान में कोई ना कोई बात ऐसी पड़ जाएगी कि आप सोचते हो कि ये भी होता है, मतलब ये भी होगा मेरे साथ, कि आप इतने डर होते हैं आप में कि आप एक्ट नहीं कर पाते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी, आपको लगता है कि शायद आप नहीं कर सकोगे, आप फिट ही नहीं हो शायद इसके लिए। तो मैं तो ये कहती हूँ कि जितने न्यू कमर्स आते हैं उनको जगह दें, ताकि हमारी इंडस्ट्री भी मतलब और ज़्यादा ग्रो करें, हम लोग कुछ अच्छा करें। जिस तरह लोग आएंगे इंडस्ट्री बढ़ेगी, लोग काम करेंगे, नया टैलेंट आएगा, पता नहीं। बट सो हाउ डज अ न्यू एक्टर लाइक योरसेल्फ सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री? पर कैसे? ये तो बड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है। और आप जैसे बहुत सारे हमारे नए एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जो कि हैं इंडस्ट्री में, काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि अगर आपके लिए चैलेंजिंग है तो उन लोगों के लिए भी उतना ही चैलेंजिंग होगा। तो कैसे आप कैसे सर्वाइवल के लिए क्या करें एक नया एक्टर? हम खामोश रहते हैं, चीज़ों को लेट गो करते हैं। हमें सबसे ज़्यादा पेशेंस रखने पड़ते हैं कि कुछ चीज़ों पर देखकर भी हम बात नहीं कर सकते, हम सवाल नहीं कर सकते क्योंकि हम नए हैं, वरना हमें काम नहीं मिलेगा। मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन जब मेरा पॉलवे लड़की के बाद सेकंड थर्ड कोई प्रोजेक्ट होगा तो वहाँ एक बंदे ने मुझसे बोला कि तुम नहीं कर सकती एक्टिंग। भूल जाओ ये सब बकवास। और वो यहाँ फंस गया था कि ये नहीं हो सकता, आई कैन डू इट। और उसके बाद मैंने कहा मैं नहीं रुकूंगी, मुझे जो अच्छा करेक्टर मिलता था मुझे लगता था कि यहाँ मैं अपना आप दिखा सकती हूँ कि मैं ये हूँ। इवन मासूमा वाला करेक्टर मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, उन सब में से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग। सैफ़ी सर थे, सैफ़ी हसन, अब वो जब हम लोग शूट कर रहे थे तो वो कहते, मेरे लिए था कि मतलब वो तो मासूम सी है, वो कुछ ऐसे जाके डायलॉग्स बोलेगी आराम से, लेकिन वो ये नहीं था। वो करेक्टर ऐसा था कि वो ना खुलकर बात कर सकती है, ना वो खुलकर हंसती है, ना वो खुलकर रोती है, वो अपनी फीलिंग्स तक नहीं बता पाती है। और नॉर्मली हम लोग बातचीत करते हैं या हम लोग के फेस एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, हम हंसते हैं, हम नॉर्मली डिफरेंट वे में होते हैं ना, लेकिन वो करेक्टर ऐसा था कि वो उसको पहले पूरा बनाना पड़ रहा था यहाँ पर कि वो तो अब जैसे वो घर आता है और वो कहता है कि तुम अभी तक जाग रही हो, सो जाती, मैं वो पूछती खाना ला दूँ, वो कहता नहीं, मतलब वो चलती रहती है। तो वो जहाँ पे उसको गुस्सा करना, तो नॉर्मली एक इंसान गुस्सा करता है कि अच्छा ठीक है मत खाओ मैं जा रही हूँ, लेकिन वो गुस्सा भी नहीं कर सकती थी। तो वो इतना चैलेंजिंग था मेरे लिए वो वाला करेक्टर कि मैं कहती थी कि बस ये हो जाए, क्योंकि सैफ़ी सर कहते थे कि नहीं वो ऐसे गुस्सा नहीं कर सकती, इसको लाइट करो। अब गुस्से को कैसे लाइट कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने सीखा कि आपकी आंखों में होता है सब कुछ। आपको एक्सप्रेशन देने होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि आप बातचीत में हाइपर हो जाओ तो पता चले कि आप गुस्सा कर रहे हो, एक्सप्रेशंस मैटर करते हैं। तो ये जो एक स्ट्रगल है एक अप एंड कमिंग एक्टर की, आपको क्या लगता है कि किस पॉइंट पे क्या ऐसी चीज़ होती है कि जिसके बाद इंसान को, या वो क्या ऐसा फैक्टर होता है कि जिसके बाद एक एक्टर को वो अथॉरिटी मिलती है कि फिर वो थोड़ा सा अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सके, नॉट इन द नेगेटिव सेंस बट इन द सेंस कि यार कि वो अपनी मर्जी के प्रोजेक्ट्स चूज़ कर सके, अपनी मर्जी का काम कर सके, और फिर ये जो बातें इर्द गिर्द उसको सुनने को मिलती हैं वो ना मिले। तो वो क्या फैक्टर है जो ये डिटर्मिन करता है कि अब एक एक्टर में इतनी पावर आ गई है? वो क्या सोशल मीडिया की फॉलोइंग है आपके हिसाब से कि यार जब एक सर्टन नंबर से ज़्यादा आपके फॉलोअर्स हो गए, मिलियंस में आप चले गए, तो फिर आप यू कैन कमांड दैट रिस्पेक्ट विद इन द इंडस्ट्री, या इज़ इट अ बिग लाइक अ ब्लॉकबस्टर हिट विच इन योर केस? तो अब दो हो चुके हैं, एहद-ए-वफा भी हो चुका है और खुदा और मोहब्बत भी हो चुका है। आपकी एक्टिंग उनमें लाखों लोगों ने देखी, करोड़ों लोगों ने देखी है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी। सो इट्स नॉट इवन लाइक यू हैव नॉट बीन एक्सपोज्ड टू यू नो अ चैलेंजिंग रोल, वो भी आपने करके देख लिया। व्हाट इज इट इन योर ओपिनियन? मुझे लोग जब पूछते हैं कि मतलब ऐसे ही सवाल करते हैं कि आप खुद को कहाँ देखती हैं या आप कहाँ तक जाना चाहती हैं, मैं कहीं तक जाना नहीं चाहती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि अपनी पहचान बनाना और वहीं रुके रहना वो बड़ी बात होती है कि मैं जो हूँ वो कोई और नहीं हो सकता, जो मैं कर सकती हूँ वो कोई और नहीं कर सकता, मैं अपने आप में एक अलग शख्सियत हूँ। तो मैं जिस तरह से एक्ट करूँगी वो बहुत डिफरेंट होगा। मैं इसीलिए किसी के साथ कंपटीशन में नहीं आती, या मैं कहती हूँ कि यार ये वाला रोल मुझे मिलना चाहिए था, ये मुझे क्यों नहीं मिला, जबकि लोग आपको आके कहते हैं कि तुम्हें ये वाला रोल मिल गया, तुम्हें तो वो वाला मिलना चाहिए था, ये तो ज़्यादती हो गई, तुम्हें दूसरा वाला रोल मिलना चाहिए था। हाँ, और ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। तो समटाइम्स ना आप कहते हो कि चलो 10 लोग आके आपको एक बात बोलते हैं, हम कहते हैं अच्छा ठीक है मैंने तो अपना कर दिया। जब 100 लोग 200 लोग आके बोलते हैं, इवन आपके फैंस आपको रास्ते में रोक के कह रहे हैं कि आपको ये वाला करेक्टर नहीं, इवन एहद-ए-वफा में ये नहीं वो मिलना चाहिए था, खुदा और मोहब्बत में भी ये वाला नहीं वो वाला करेक्टर मिलना चाहिए था। तो मैं कहती हूँ कि कंपेयर मत करें, हम में से किसी को एक दूसरे से कंपेयर मत करें। हम लोगों ने एक जगह पे काम करना है ना, तो भागना क्यों एक दूसरे को गिरा कर, साथ भी तो चल सकते हैं। साथ चलेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुँच जाएंगे, हमारी भी इंडस्ट्री बड़ी हो जाएगी, नाम और अच्छा हो जाएगा। हम लोग यहाँ लगे होते हैं कि अच्छा इसने ये कलर पहन लिया तो मैं तो ये कलर नहीं पहनूंगी, अगर इसने ये कलर पहना है तो ये तो मैंने पहना हुआ, इससे उतरवा दें, ये नहीं हो सकता। हर जगह पे कहीं ना कहीं ये सब प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, और बहुत सारी जगहों पे सीनियर्स के साथ होता है ऐसे, हमारे सीनियर्स हमें बहुत टफ टाइम दे जाते हैं। बताएं ना, नाम ना ले चलें बट एग्जाम्पल्स कैसे? मतलब आप किसी को सलाम करो जवाब ना दे, और फिर आपको उसके साथ काम करना हो, सलाम का जवाब भी नहीं दे। क्यों? क्योंकि इन्फीरियर है, छोटा एक्टर है, छोटी एक्ट्रेस है, अभी छोटी है, अभी शी इज अ नोबडी, ही इज अ नोबडी, इसको कौन जानता है? ये थोड़ी कोई बड़ी स्टार है, ये सबा कमर नहीं है, ये माहिरा खान नहीं है, ये सजल अली नहीं है, तो क्यों इससे बात करनी है? बट मोमिना, सजल, माहिरा, सबा, इन लोगों ने भी किसी ना किसी पॉइंट से तो शुरू किया होगा ना। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि आज वो लोग इतनी स्ट्रगल करके आज वो लोग वहाँ हैं, तो कोई उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने जो कमाया वो अपनी स्ट्रगल से कमाया, ठीक है। तो अगर लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं इसलिए नहीं कि वो आज वहाँ हैं, वो इसलिए कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी है, वो अल्लाह की तरफ से उनको मिली, इसीलिए कोई उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन हमारा भी टाइम स्ट्रगल का है, तो कोई भी आके करके जा सकता है, किसी को आप कह थोड़ी सकते हैं। बट इन योर केस आपको लगता है कि ये स्ट्रगल स्पेशली ज़्यादा डिफिकल्ट है लड़कियों के लिए जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा है एज़ कम्पेयर टू द बॉयज़ और द मैन? नहीं, सबके लिए सेम है, इसमें आप किसी को ये नहीं कह सकते कि किसको ज़्यादा टफ टाइम मिल रहा है। ये आपकी जर्नी पर डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है तो सामने वाले का भी ऐसा होगा। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैं शुरू से बहुत लकी रही हूँ, मुझे जितने सेट मिले हैं, मैंने जितना काम किया है, मुझे सब ने बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत ज़्यादा। डायरेक्टर्स, मेरे को स्टार, सब लोगों ने बहुत प्यार किया, सीखा है, मैंने हर एक बंदे से सीखा है। लेकिन वो जो मैं आपको सीनियर्स वाली बात करी थी, वो समटाइम्स आप एक ऐसे, मैं आपको बताती हूँ, मैं एक सीरियल में एक इतना मेजर सीन करने वाली थी और एक बंदे ने ऐसे ही बोल दिया कि इसको क्यों ले लिया, किसी और को ले आपके मुंह के ऊपर। हाँ। आपके मुंह के ऊपर, एग्जैक्टली, वन ऑफ योर को-स्टार्स। हाँ, जो उस सीन में था। हाँ, और एक सीनियर पर्सन हो के, हमारे लिए ना, हम जो नए बच्चे हैं, हम सीनियर्स के लिए, हम जूनियर्स के लिए बहुत मैटर करता है। कोई सीनियर आके कहते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा सीन करा, हम लोग अगला सीन उससे भी अच्छा करते हैं कि हमारे सीनियर ने कह दिया, उन्होंने कह दिया कि हमने इतना अच्छा किया तो हम आगे कितना अच्छा करेंगे। तो ये इनकरेजमेंट होती है। जब आप किसी मेजर सीन पर खड़े होकर किसी को ये कह दें कि इसकी जगह कोई और देख लेता है, मतलब मैंने तो ऐसे ही कहा है, लेकिन चलो खैर ये भी अच्छी है। तो वो सीन आपके लिए करना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड सिर्फ एक चीज़ चल रही है कि मैं ठीक नहीं हूँ, ये बंदा तो मुझे इज्जत ही नहीं दे रहा, तो मैंने और क्या करना फिर कि हाँ एग्जैक्ट, मतलब आप खुद में से ढूंढने लग जाते हो कि कुछ मैंने ऊपर नीचे किया या मैं एक्टिंग अच्छी नहीं करी या क्या प्रॉब्लम हुई होगी। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कुछ तो प्रॉब्लम। फिर क्या आपने उनको, क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या था वाकई में कि यू नॉट अ गुड इनफ एक्टर, या नहीं वो सिर्फ एक ऐसे बात थी, नहीं वो सिर्फ एक ऐसे बात थी और वो फिर खत्म हो गई। लेकिन मेरे आउट ऑफ नोवेयर, हां ये मैं कहती हूँ कि मतलब यहाँ से आप ऑफ कर देते हैं, आप सीन के बीच में आप किसी को ये बात नहीं कह सकते। हाँ, अगर बुरी लग भी रही थी तो इन दैट मोमेंट तो ना कहते, बाद में कह देते, शॉट के बाद कह देते, डायरेक्टर को जाके कह देते यार कि इसको तुमने ले लिया है और इसने अच्छा काम नहीं किया। हाँ। मेरा बहुत वक्त जाया हो गया, रीटेक पे रीटेक हो रहा है, उसके मुँह पे कह के तो नहीं, डिस्करेज नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सही, ये बहुत प्रॉब्लम्स हैं इस तरह की। तो और किस पे बात कर सकते हैं? हाँ प्लीज, कि मैं कहती हूँ कि हम लोग जो 2-4 लोग हैं इंडस्ट्री में जो सोशल मीडिया पर बोल देते हैं कि ये प्रॉब्लम है भाई, ये तो प्रॉब्लम है, तो उनको भी लोग कोई इनकरेज कर रहा है, कोई डिस्करेज कर रहा है कि मतलब क्या यार ये लोग कुछ भी बोल देते हैं, आके कुछ भी कर देते हैं। हम लोगों की प्रॉब्लम ये, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो वो क्यों बोल रहा है, और अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा तो क्यों नहीं बोल रहा। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आपको जो बोलना है आप वो बोल सकते हैं, बगैर ये सोचे। रिस्क अल्लाह के हाथ में है, इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। जब सब कुछ अल्लाह के हाथ में है तो बंदों से किस बात का डरना है। आपने भी काफ़ी सारी चीज़ें बोली हैं, तो आपको नहीं डर लगता कि आपके इस इंटरव्यू के बाद शायद लोग बोलें जो इंडस्ट्री का हिस्सा है, यार ये तो बहुत बोलती है, यार ये तो जाके बता देती है सारा कुछ। ये सबको पता है, हर सेट पर सबको पता है कि ये बहुत मुँह फट है, ये इसके दिल में जो होगा ये बोल देगी। आप शाय हैं लेकिन आप ब्लंट भी हैं। हाँ, मैं शायद, मैं आपको उस टाइम पे बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं बात नहीं कर सकती, मैं अपने को एक्टर के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकती स्क्रीन पर, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं, लेकिन इतना काम करने के बाद शायनेस एक अपनी जगह है, लेकिन आई एम ब्लंट, एटलीस्ट मैं अपनी बात रख सकती हूँ कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे होता है कि समटाइम्स आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर तंगी हो रही होती है और आप बात नहीं कर रहे हो क्योंकि आप नए हो, आप बोल दोगे तो वो काम नहीं देंगे। अगर आप कोई अपनी फीलिंग्स बोल दोगे कि मैं इसको ऐसे कर लूँ या ये मुझे सही नहीं लग रहा, तो वो कहेंगे नहीं ये तो बहुत नखरे दिखा रही है। और आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बोलेंगे यार बहुत नखरे दिखा रही है, ये तो बहुत क्रिटिसाइज़ करती है, ये तो कहती है यार कि एक्टर के वो कैमरे पे बता देती है कि किसको, किसी एक्टर ने बोला कि इसको काम करना नहीं आता। हाँ, तो इसको नहीं लो यार, इसको छोड़ो, इसको रहने दो। आपको इस बात से डर नहीं लगता कि काम नहीं मिलेगा आपको? इस बात पे डरना है, हम सबको इस बात पे डरना है, तो फिर हम में से कोई भी इंटरव्यूज़ नहीं देगा कि मैं बात नहीं करना चाहता, मैं इस पे बात नहीं करूँगा वरना काम कैसे मिलेगा, मैं किसी के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अच्छा अपने आप को पोर्ट्रे कराऊँगा। मतलब आप हर इंसान अच्छा है, तो जो रियल इश्यूज है उनको तो हाईलाइट करेंगे exactly, ना अगर आप हाईलाइट ही नहीं करेंगे तो वो खत्म कैसे होंगे, वो ठीक कैसे होंगे। बिल्कुल। अब हमारे बीच में हमारे माइंड में एक प्रॉब्लम होती है कि हमें भी वहाँ तक जाना है, ठीक है, तो जब वहाँ पे जगह ही नहीं होगी तो हम वहाँ पे कैसे जाएंगे। तो जगह बनानी पड़ती है, जगह देनी पड़ती है, एक्सेप्ट करना पड़ता है लोगों को। और फिर आपने जैसे कोई आपकी कोई लुक कैसी हो जाएगी, या कोई आप बाल ऐसे बना लें, आप वो कलर पहन लें, आप वो ड्रेस वैसा पहन लें, तो लोग कंपैरिजन में आ जाते हैं कि कौन ज़्यादा प्यारी है, कौन ज़्यादा अच्छी है, कौन अच्छी तरह बात कर रही है, किसका एटीट्यूड अच्छा है, किसका बुरा है। बट वो मेरा ये नेचुरल नहीं है, ये तो हर जगह होता है, ये तो हर इंडस्ट्री में भी होता है। स्पेशली फैंस या ऑडियंस की तरफ से वो कंपैरिजन तो ड्रॉ करते हैं, इवन लीड एक्टर्स के साथ ऐसा होता है कि यार ये यूं है तो ये यूं है, तो इन दोनों में से विच लुक ऑफ विच एक्टर डू यू प्रेफर मोर। नहीं, ये बहुत गलत, क्योंकि हर किसी का, यू सेइंग दैट दैट पुट्स प्रेशर ऑन द एक्टर्स। एग्जैक्टली, ये होता है, क्योंकि हर इंसान की एक अपनी आइडेंटिटी है, वो एक्टर नहीं भी है लेकिन उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, आप उससे उसके ऊपर दूसरे को ला के रखोगे और अंडरमाइन ना करें, जो वो है उसको ना अंडरमाइन करें, बिकॉज जब आप दो लोगों के बीच में ये कंपैरिजन करवाते हैं तो बंदा एक को ही चूज करेगा ना, हाँ। तो जिसको चूज कर रहा है दूसरे को तो अंडरमाइन कर रहा है, एंड यू थिंक दैट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द एक्टर, व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल। आप सही कह रहे हैं, और सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल है, वो लोग आज यहाँ है, कोई भी स्ट्रगलिंग में है, तो आप इतना प्रेशर दोगे तो वो काम नहीं कर सकेगा। अभी आप जैसे आपने कहा कि अहद वफा के बाद मैंने बहुत टाइम लिया और फिर बीच में कोरोना भी था, तो लोग सोचते हैं, फिर प्रेशर देते हैं कि अच्छा काम नहीं मिला था, या खुद नहीं किया था, या खुद कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, या आप खुद नहीं करना चाह रही थी, आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा होगा। ऐसे नहीं होता, लाइफ चल रही होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ टाइम रखा होता है जब कोई चीज़ आनी होती है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि अहद वफा के बाद मैं खुदा और मोहब्बत मैंने किया, फिर भूल जाए दिल पे मेरा लीड चल रहा था, फिर मैंने LTN का प्रोजेक्ट किया, बारिश में आग, ये तीनों चल रहे हैं आज। एक डेली लगता है, एक हर फ्राइडे के फ्राइडे लगता है, एक थर्सडे के थर्सडे लगता है। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि मैं इस टाइम 3 चैनल्स के ऊपर हूँ अभी। तो वो जो टाइम मेरा शायद अल्लाह मियाँ ने लिया था, तो वो ये सब चीज़ें मुझे एक साथ मिलनी थी, तो वो शायद वो मैं टाइम गुजार रही थी। तो फिर जब लोग आपको प्रेशराइज करते हैं कि अच्छा काम नहीं मिल रहा होगा, क्या करी थी, इसने क्या किया है, इसने ये कहाँ बिजी थी, फिर बहुत सारी गॉसिप्स निकलती हैं, और उससे मैं बहुत तंग हूँ। आपको पता है हमारा इंस्टाग्राम, हमारा स्नैपचैट, हमारा व्हाट्सएप स्टेटस, आपने कोई सैड सॉन्ग लगा लिया है तो आपका ब्रेकअप हो गया है, आपने कोई बहुत लव सॉन्ग लगा लिया है तो अभी अभी कहीं और हुआ है, कोई चक्कर चल रहा है, आपने कोई लगा दिया है, मतलब कुछ भी, आप कुछ भी लगा दोगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। कोई ब्राइड में लगा दो, या मतलब हाथ की लगा दो, कोई रिंग की लगा दो, तो एंगेजमेंट हो गई है। बट दिस इज अ पर्क ऑफ बीइंग अ स्टार, राइट? एक एक्टर, एक स्टार के साथ तो ये होता है। फिर ओ फल्ला, नहीं, मैं कहती हूँ कि ठीक है, सबके पास राइट है कि आपको जज कर सकें, या मतलब कोई बात कर सकें। हम लोग पब्लिकली ज़रूर है, ठीक है, कि लोग आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं कि यार ऐसे उनका कंसर्न शो करने का भी तरीका होता है ना, एक इंसान जिसको वो लुक अप टू करते हैं। इवन जो आपके इर्द गिर्द वाले लोग होते हैं वो तनकीदें बांधना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये हो रहा है, अच्छा वो हो रहा है। मतलब आप यकीन करें, वो जो कोरोना वाला टाइम था, आई वॉज विद माई फैमिली, और मतलब कुछ भी बाद में निकल के पता चला, अच्छा ये भी हो गया था, अच्छा मेरे साथ ये भी हुआ है, अच्छा आपको rumors, आपके बारे में rumors फैल रहे थे, और आप खुद शॉक्ड होते हो कि अच्छा ये भी हो गया था। शुरू में ना मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती थी कि अच्छा चलो सही है, मतलब अच्छा सही है तो लोग बात करें आपके बारे में, लेकिन हद से ज़्यादा बातें भी आप सुन नहीं सकते। तो किसी को इतना हम लोग सब एंजॉय करते हैं कि यार हमें स्टारडम मिल रहा है, लोग आते हैं। मतलब मेरे लिए ये चीज़, मैं अपनी अम्मा को बोलती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कम उम्र में बहुत इज्जत दी है। शायद मैं इस काबिल नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत इज़्ज़त मिली है। मैं मोटरवे पर थी तो मैं रुकी उधर भेरा पर, और हम लोग थोड़ा स्टे किया कि आगे जाना है। एक लड़की आई, वो लिटरली मुझे देख के रोने लग गई कि कि मतलब उसको यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसके सामने खड़ी हूँ, मैं मासूमा वाला करेक्टर करी हूँ, मैं नहीद वाला करी हूँ। वो देख रही थी हम टीवी का भूल जाए दिल। और पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये रो क्यों रही है, क्योंकि आपने अपने आप को वहाँ तक देखा ही नहीं होता कि आप घर में, हम घर वालों की तरह ही होते हैं क्या, स्टार थोड़ी होते हैं। बाहर हम काम करने जाते हैं और सारा दिन हमारा शूट चलता है, तो हम लोग को शायद अपना एहसास ही नहीं होता कि हमें कहाँ जगह मिल गई है, आवाम हमें कहाँ देख रही है, लोग हमें किस तरह से करें, परसीव करें कि किस तरह। तो जब मैंने वो देखा, मैंने कहा कि अल्लाह मियाँ, इसको संभालना उतना ही मुश्किल है कि जितना हम इसको मुश्किल से लेकर चलते हैं कि हमें यहाँ जाना है और फिर यहाँ जाके इसको संभालना उतना ही मुश्किल है। बार बार लोग आते हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं, आप बैठ नहीं सकते 2 मिनट। आपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे आप पहले नॉर्मली आप जाके कहीं पे बैठ गए हो, कुछ भी कर रहे हो, आप नहीं कर सकते। मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई हुई थी, तो 1-2 लोगों ने ऐसे वीडियोस बना के, हम लोग कैजुअली बैठे होंगे, वीडियोस बना के मुझे इंस्टा पे टैग की हुई है। और आप इतना अनकम्फर्टेबल हो जाते हो कि एटलीस्ट ये मत करो, हम लोग भी मेहनत करते हैं, आप लोग हमें प्यार करते हो, इज़्ज़त करते हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन ये सब चीज़ें फिर लोग कहते हैं कि इन लोगों में एटीट्यूड आ गए, बदतमीज़ हो गए हैं शायद इनका ये। लेकिन जिस तरह से हम सब मेहनत करते हैं, हम सुबह 8 बजे उठते हैं, हमारी मेकअप कॉल होती है 9 बजे की, हमें पहुंचना होता है सेट पे, फिर 10, 11, 12, 1 हमें काम करना है, हम काम करते हैं, हमारी लाइफ बहुत तेज़ी से चल रही होती है। तो जो थोड़ा सा डाउन टाइम है उसमें हमारी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट, प्राइवेसी, हाँ। और मतलब आपने, और कुछ भी आप बात कर दो, कुछ भी ऊपर यूँ बात आपकी पकड़ी जाती है कि इसने ये बात बोली थी, इसने ये बात कह दी थी, ये बात। इस इंटरव्यू के बाद आपको क्या लगता है कि आपकी बातें पकड़ी? बहुत नहीं, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मैंने वो बात कही है जो मैंने यहाँ और यहाँ फील की है, और मैंने किसी के भी बारे में, या मैंने किसी को कोई तनकीद नहीं की, मैंने किसी को कोई बात नहीं की, मैंने ओवरऑल लेकर बात की कि अपने एक्सपीरियंस से। और मतलब, और मैं ये तो बात बोलती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे सबने बहुत प्यार किया, मतलब सबने, हम टीवी में भी, मतलब जितने महेश भाई हैं, शजील भाई हैं, मतलब सब लोग, वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत एक जैसे एक बेबी को केयर देते हैं उस तरह से उन्होंने मुझे रखा है, मुझे सिखाया है सबने काम, मुझ पर ट्रस्ट किया है। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और मुझे काम देते हैं कि यार ये कर सकते। तो जहाँ पे चैलेंजेस थे वहाँ पे अच्छी चीज़ें भी, बहुत अच्छी चीज़ें थी। हम लोगों ने, हम लोग सेट पर इतना प्यार, इज्जत, वो भी तो हम देखते हैं, हम सब, मतलब लोग समझते हैं कि पता नहीं ये शूट करें क्या करें, इनकी क्या नमाजें, क्या रोज़े, पता नहीं रखते भी होंगे क्या, सब होता है, सब होता है। हम भी मुसलमान हैं, हम उसी तरह से करते हैं, लेकिन काम की नोयत डिफरेंट है सब जगह की, तो उतनी ही मेहनत से हम काम करते हैं। हमारे सेट पर गर्मी हो, सर्दी हो, रमज़ान हो, कुछ भी, सारा स्टाफ होता है, मतलब सब लोग होते हैं, जो इवन लाइट मैन, मेकअप, सब चीज़ें, इतना सब लोग मेहनत करते हैं। वो किसी एक हीरो हीरोइन की मेहनत नहीं होती, वो पूरी कास्ट की मेहनत होती है, जिसको देख के लोग तालियां बजाते हैं। और मैं कहती हूँ किसी भी एक अच्छी टीम के बगैर आप कोई ब्लॉकबस्टर नहीं दे सकते। आपको लगता है कि आपको एक अच्छी टीम की ज़रूरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी टीम्स के साथ काम किया सब बहुत अच्छे। चैलेंजेस तो ऑब्वियसली लाइफ का हिस्सा हैं, और वो आते हैं और वो आपको मिलते हैं, फिर किसी ना किसी और फेस में आपके सामने आ जाएंगे, यहाँ नहीं तो कहीं और सही, लाइफ गोज ऑन। अच्छा, अब नाउ कमिंग टू योर बिग प्रोजेक्ट जो इस वक्त ऑन एयर है, खुदा और मोहब्बत, ये जब आपके पास आया उस वक्त तक आप लीड करना शुरू हो गई थी हम टीवी के ऊपर, तो व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर नाहीद इन खुदा और मोहब्बत? वही सवाल पूछूंगा जो लोग, आप कहती हैं कि लोग पूछते हैं और तंग करते, क्या वजह थी जो आपको लीड नहीं मिल रहा था, जो आपने ये चूज किया, या क्या वजह थी? नहीं, मेरे पास उस टाइम पे जो करेक्टर आया था, जो स्क्रिप्ट आई थी, वो सिर्फ मेरे करेक्टर की आई थी कि ये आपका करेक्टर है। अच्छा। और ये वन लाइनर आपका है, मतलब जो आपका करेक्टर है। उन्होंने कहा कि हम लोग स्क्रिप्ट ऐसे पूरा नहीं दे रहे हैं किसी को भी, जिसका जो करेक्टर है उसको उतनी स्क्रिप्ट मिले, क्योंकि मेगा प्रोजेक्ट है, ऐसे स्क्रिप्ट आप आउट नहीं कर सकते कहीं पर भी। तो मैंने जो अपना कैरेक्टर पढ़ा था और जो उससे समझा था कि एक अधूरी मोहब्बत क्या तकलीफ़ देती है, मतलब वो भी एक चैलेंजिंग है कि एक बंदा है ही नहीं आपके साथ, और मतलब आप बचपन से ही मतलब उसको सोच रहे हो, उसको लेकर चल रहे हो, आप बड़े हुए हो, आपको सिर्फ वो मतलब उसको लेकर चलना भी बहुत चैलेंजिंग था। तो इसीलिए मैंने उसको एज अ कैरेक्टर पिक किया था। आपको तो आइडिया भी नहीं था कि और क्या बाकी, क्या कास्ट में कौन होगा, बाकी कैरेक्टर्स क्या हैं? मुझे फ़िरोज़ का पता था और जो हमारी साइड के थे, मतलब जिनके साथ मेरा काम था, मुझे उन लोगों का पता था कि ये आपके साथ होंगे और इनके साथ आपका काम है, तो मुझे पता था। तो मैंने कहा कि सब अच्छे हैं, टीम अच्छी है, कास्ट अच्छी है और सीनियर्स थे सारे, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, तो मैंने इसलिए ये वाला करेक्टर चूज़ कर लिया। और फिर जब आपने किया खुदा और मोहब्बत, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। बाकी चीज़ों पे इतने लंबे लंबे जवाब और इसमें बस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। You don't want to add anything else to it? No. Why? बस अच्छा था। Are you not happy with the way that your character has come out on screen? नहीं, I'm happy, लेकिन कुछ issues obviously जो मैंने भी सुने, मतलब कुछ लोगों ने उस पर बोला भी कि ये लड़की को तुम लोगों ने प्रोमो में क्यों नहीं डाला, तो मैंने भी ये वाले सवाल उठाए थे कि मैं प्रोमो में क्यों नहीं हूँ ना, कि मतलब अगर मैंने काम किया और आपने मुझे करेक्टर इतना अच्छा ब्रीफ किया था तो मैं क्यों नहीं हूँ उस पर। तो ये आपको वैसे फील नहीं होता, आप कहते हो अब हमारा अगला, मेरा अगला सीरियल आ रहा है, मुझे वो देखना है, ठीक है, लेकिन जब इर्द गिर्द आप बहुत सारे लोग वो चीज़ बोलना शुरू कर देते हैं तो फिर आपका माइंड भी उसको सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वाकई ये नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। तो वो जब इतने सारे लोग एक चीज़ पे बात कर रहे हो तो फिर आपको भी सोचना पड़ता है ना, तो क्यों नहीं हुआ आपके असेसमेंट में, ऐसा क्यों नहीं है आप प्रोमो में? आई डोंट नो, यू डोंट नो। नो। And will we see you again? आप आई और शुरू में बड़ा हम सब एंजॉय भी कर रहे थे आपकी परफॉर्मेंस को, बट अब आप गायब हो गई हैं, तो आप क्या वापस आएंगी या नहीं आएंगी? और यही ब्रीफ आपको भी मिला था कि आप आएंगी, शुरू में होंगी, फिर आप गायब हो जाएंगी? नहीं नहीं नहीं, मुझे जो मेरा स्क्रिप्ट मिला था वो तो ऑब्वियसली सारा था ना कि आपका यहाँ से यहाँ तक का एंड है, मतलब ये काम है। तो एंड हो गया आपका या आना है अभी आपको? नहीं, अभी आना है, आना है वापस जी। लेकिन ये जो बीच में ब्रेक हुआ है वो शायद आपको नहीं अच्छा लग रहा मेरी, मुझे ऐसा, मुझे फीलिंग आ रही है ऐसी। नहीं 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 नहीं, मुझे बिल्कुल, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से स्टोरी चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है, मतलब लोग पसंद कर रहे हैं, प्यार करें सब करेक्टर्स को और एडमायर करें एक एक करेक्टर को, ठीक है। तो मेरे लिए ये नहीं है कि मैं क्यों नहीं आ रही। एक सीरियल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें काम किया और अल्लाह ताला ने इतनी कामयाबी दी है उसको, हम सबको इज्जत दी है उसके ज़रिए, तो मेरे लिए वो उतना ही अजीज़ है क्योंकि मैंने उसमें काम किया, मैंने अपनी भी मेहनत उसमें किया, तो मैं तो उसके लिए बहुत अच्छा सोचूंगी। ज़्यादा ओवरवेलमिंग फीडबैक आपको एहद-ए-वफा के बाद मिला था या खुदा और मोहब्बत के बाद मिल रहा है? एहद-ए-वफा तो मतलब लग गया ना, तो उसका जो वो एक टाइम था, वो जो यहाँ पर था, तो उस टाइम पर जो प्यार, वो जो चीज़ें हो रही थी, तो मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता ना कि आप यूँ क्लिक कर जाओगे और मतलब लोग आपको जानने लग जाएंगे कि ये मासूमा है, ये मासूमा है। और अभी तो ये खुदा और मोहब्बत तो चल रहा है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कैरेक्टर बिल्ड होता जाएगा, लोगों की अटैचमेंट होती जाएंगी उनके साथ, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि एंड तक इसकी पीक कहाँ तक जाती है, तो फिर वो एंड ऑफ द टाइम आपको रिजल्ट पता चलता है कि आपने इस कैरेक्टर से कितना मिला आपको, तो ये तो अभी आहिस्ता से पता चलेगा। जितनी जर्नी मोमिना अभी तक आपकी हो चुकी है और काफ़ी फ्रूटफुल रही है और काफ़ी स्ट्रगल भी आपने किया है, आई एम श्योर आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख ली हुई हैं। अब मोमिना दी एक्टर किस पॉइंट पे है मूविंग फॉरवर्ड? जो रोल्स आप करना चाहती हैं, जो प्रोजेक्ट्स आप करना चाहती हैं, जो फिल्में आप करना चाहती हैं, जो ड्रामे आप करना चाहती हैं, अब आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने कैरेक्टर्स को पिक करेंगी या कर रही हैं? मैं सिर्फ इतना सोचती हूँ कि सब जगह काम करना है, सबके साथ काम करना है, कोई भी माइंड में ये चीज़ नहीं रखनी है कि यहाँ नहीं करना या इनके साथ नहीं करना या इनके साथ नहीं करना, अभी उनके साथ फलां चैनल के साथ करना, हाँ, फलां के साथ नहीं करना अभी ये, मुझे सबके साथ काम करना है और मुझे अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए। और बेशक मुझ में बहुत खामियाँ हो सकती हैं, बहुत कमियाँ हो सकती हैं, क्योंकि हम लोग घर से सीख कर नहीं आते, हम आप लोग अपने सीनियर्स के साथ, इन सब के साथ रहकर बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, डेली बेसिस पर सीखते हैं हम। मैं अब अगर मैं शूट पर हूँ और मैं सेट पर हूँ तो कोई ना कोई माइनर सी चीज़ भी आप यूँ सीखते हो कि मतलब आज मैंने ये चीज़ सीखी है और आप रोज़ ग्रूम हो रहे हो रोज़, तो मुझे तो एंड तक सीखना है, ये ज़िंदगी है, सिखाती रहेगी रोज़ कुछ ना कुछ नया। तो मैं सबके साथ काम करना चाहती हूँ, अच्छी स्क्रिप्ट के साथ काम करना चाहती हूँ, और स्क्रिप्ट अच्छी या बुरी मैं नहीं कहूँगी, काम है उसको काम की तरह लेकर चलें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको यहाँ लेकर जाते हैं या यहाँ लेकर जाते हैं। बट जो हमारी इनिशियल कॉन्वर्सेशन थी शुरू में कि एज अ यंग एक्टर, एज अ यू नो न्यू कमर, वो जो स्ट्रगल है कि यार कि मैंने लीड करना है, यू थिंक कि अभी तक वो स्ट्रगल आपकी चल रही है या वो अभी कुछ और चलेगी या अब आहिस्ता आहिस्ता यू कम आउट ऑफ दैट? आई नो कि आप लीड कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि आप कम्प्लीटली, ऐसा है ही नहीं कि आपको लीड रोल्स ऑफर नहीं हो रहे, but I'm talking about bigger projects जो you know in terms of the cast also are bigger, उसमें ज़्यादा prominent नाम है. उस तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि हाँ चलो अब इसमें भी तुम सेकंड लीड नहीं, इसमें भी लीड करो, तो वो आपको लगता है कि वो वाला फेज अब खत्म हो गया? आपको उस तरह के प्रोजेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्या चल रहा है? नहीं, अभी तक तो वो वाला नहीं आया है. मतलब आता है, मतलब कॉल्स भी आती हैं कि ये वाला प्रोजेक्ट है और ऐसे है, तो जब तक मेरे माइंड को कोई कैरेक्टर क्लिक नहीं करता, जैसे मैं वन लाइनर पढ़ती हूँ, मैं कहती हूँ कि यार ये मैं कर सकती हूँ, यहाँ ये थोड़ा डिफरेंट है, जो मैंने इतने सारे किए हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है. जैसे आपने देखा कि मैंने जितने अभी तक किए हैं वो सब कुछ ना कुछ उसमें उसकी वही मासूमियत है, वही चीज़ है, कुछ डिफरेंट मिलता है मुझे, कुछ उसमें एक पॉइंट भी अगर डिफरेंट मिलता है तो मैं उसको पिक कर लेती हूँ. ठीक है, लेकिन अगर वैसा ही सेम मुझे कोई मिलेगा तो मैं कहूँगी नहीं. और ये चीज़ आपको नहीं बॉदर करती कि अच्छा अगर बहुत बड़ी कास्ट है तो उसमें सेकेंड लीड भी है तो इट्स ओके, इट डजंट मैटर टू यू, डज इट मैटर नाउ? नाउ इट्स मैटर, नाउ नाउ इट मैटर्स, क्योंकि अगर मैं कुछ प्रोजेक्ट्स लीड पे कर रही हूँ तो उन सब की एक, मैंने आपको बताया, उन सब का एक बिलीव है मुझ पर कि वो लोग मुझे दे रहे हैं एक पूरा प्रोजेक्ट के, मतलब ये तुम्हारा है सब. इतने पॉपुलर हो ना हो, बहुत ज़्यादा ऑडियंस उनको देखे ना देखे, हाँ. बहुत बड़े कास्ट में नाम हो ना हो, बट आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे रहा है ना, तो फिर उनके साथ अनफेयर है कि अगर अब आप किसी और बड़े प्रोजेक्ट में सेकंड ईयर कोई कैरेक्टर प्ले करें. और हाँ, ये फिर मैं इस पर नहीं कर सकती ना कि उनके साथ कहूँ कि यार अच्छा आप लोग ठीक है, आप लोग मुझे दे दिया, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं सेकंड लीड कर लूँगी, तो मेरी भी तो स्ट्रगल है ना उनके साथ. मैं उनको अपना टाइम दे रही हूँ कि नहीं, अगर उन्होंने मुझ पर बिलीव किया तो मुझे मुझे कुछ करके दिखाना है उनको, तो ये भी फेज़ है. और मुझे नहीं पता ये कब तक जाएगा. तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से? आप अभी भी कराची में एक प्रोजेक्ट शूट करी, उसके बारे में आप हमें कुछ बता सकती हैं अभी या नहीं? सीक्रेट है अभी? yes. अभी बताया तो शुरू में आपने, तो मैंने नाम बोल दिया, बट उसके अलावा नहीं बता सकती. नहीं, ऐसा क्यों? अभी नहीं, अभी वो बन रहा है ना, अभी बिस्मिल्लाह किया हमने, वो जैसे ही थोड़ा हाफ और हाफ से ऊपर जाता है तो फिर वी कैन टॉक अबाउट इट. दिस इज अ हम टीवी प्रोडक्शन एंड इज दैट द ओनली प्रोजेक्ट दैट यू करंटली डूइंग या और भी कुछ कर रही हैं? और हैं भी, क्योंकि आगे रमज़ान आ गए थे और फिर इस्लामाबाद का था एक, फिर लाहौर, तो फिर मुझे भी, मैं कराची आई हूँ पहली बार ये प्रोजेक्ट करने के लिए, मैं कराची आई हूँ. अच्छा, बट खुदा, हाँ वो लाहौर में किया था मैंने, तो अभी मैं कराची आई हूँ, तो मतलब मैं सिर्फ देख रही हूँ कि फिर मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, कोई और टीम डिस्टर्ब ना हो मेरी डेट्स की वजह से या चीज़ों की वजह से, तो थोड़ा सा उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ अभी, कोई और तंग ना हो जाए. ऐसे आप कमिटमेंट कर दो फिर खुद भी तंग हो, सब तंग हो, तो अभी मैं सिर्फ देख रही हूँ कि बैलेंस कैसे करना है और फिर मैं सबके साथ काम करूँ. तो कराची कैसा लग रहा है आपको? आर यू एंजॉयिंग बीइंग इन कराची? आई लव कराची. तो वो बच्चों से पूछते हैं लाहौर अच्छा या कराची? दोनों अच्छे हैं, पाकिस्तान हमारा है. थैंक यू मोमिना, इट्स बीन अ प्लेजर. बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया. मुझे पता है कि आप रोज़ शूट कर रही हैं, आज का दिन आपका एक छुट्टी का दिन था, वो भी आपने हमें डेडिकेट कर दिया, बट थैंक यू, इट्स बीन अ रियल प्लेजर हैविंग दिस चैट विद यू. थैंक यू सो मच. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम बात करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो आप लोगों के ज़रिए हम लोग अपनी बात कर सकते हैं. माफ़ी किसी को कुछ बुरा लगे, किसी के बारे में कोई ऐसी बात, अगर कोई अल्फाज हो जाता है ऊपर नीचे, तो मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ. आपको कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी, मुझे और आपको मसाले चाहिए हो तो आई कैन गिव यू मोर. हाँ श्योर, आई डोंट माइंड, आई कैन स्टे अंदर 10-15 मिनट्स, नो प्रॉब्लम. नहीं, बस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इंशाल्लाह फिर मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे. विश यू ऑल द बेस्ट. जो भी आप काम कर रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एंड आई रियली होप कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जिस तरह के कैरेक्टर्स आप करना चाहती हैं और जो आप ट्रूली डिजर्व करती हैं वो भी आपको मिले. थैंक यू सो मच. थैंक यू मोमिना. अल्लाह हाफ़िज़. खुदा हाफ़िज़.